गुड मॉर्निंग गाइज, हैव अ ग्रेट मंडे। कैसे हैं आप सब लोग? ओह वाह, मफिन अभी गया है वॉक पर। मफिन आजकल डेली वॉक पे जाता है, और जब वॉक पे जाता है तो उसे अपने फ्रेंड भी मिलते हैं। एक का नाम है मैंगो और दूसरे का है आर्ची। तो दो दोस्त बन गए हैं उसके वॉक पे जाने से, और खूब खुश होके आता है, खूब खेलता हुआ आता है। फिलहाल मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही सुबह के बस 8:30 के अराउंड हुए हैं। तो सबसे पहले उठते ही प्रशांत तो चले गए थे उसे वॉक कराने के लिए। उसको थोड़ा बहुत पहले हमने खाना देते हैं मॉर्निंग का, और उसके बाद वो वॉक करने चला जाता है। और यहाँ पर बेड है फैला हुआ, कशिश का रूम का भी। कशिश का रूम का तो सीट ठीक हो गया होगा, क्योंकि कशिश स्टडी करने बैठ गई है ऑलरेडी। हाँ, कशिश अपनी पढ़ाई कर रही है। इसका रूम का बेड इसने ठीक कर लिया है अपना, तो मैं अपने रूम का बेड ठीक करती हूँ। सुबह सुबह वेजिटेबल्स आई हैं, मिल्क आया है, दही आया है, तो ये सब जगह पर लगाऊंगी। और ये प्रशांत ने ऑर्डर करी थी सब्जियाँ, उनको पता था कि वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई हैं, मैंने उन्हें बोला था। तो जब कल मैं ट्रायल रूम में कपड़े वगैरह चेक कर रही थी ना, तब प्रशांत ने ये सारी की सारी वेजिटेबल्स ऑर्डर करी हैं। तो मैंने भी फटाफट देखा कि उन्होंने क्या ऑर्डर किया है। तो उन्होंने अपनी च्वाइस की सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी है। ये भिंडी ऑर्डर करी है, छोटे वाले बैंगन उन्हें बहुत पसंद है वो ऑर्डर किए हैं, ये बीन्स पसंद है उनको, और तोरई भी करी है उन्होंने। पता नहीं तोरई का सीज़न है कि नहीं है, फिलहाल देखेंगे। चलो तोरई बन जाएंगी। और जिंजर, वाओ, उन्होंने अपनी इच्छा से करी है, उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या घर में है क्या नहीं। और अरबी उनकी फेवरेट, और हरी मिर्च। अच्छा, तो चलो ठीक है, मेरा काम बन जाएगा, दो तीन दिन का तो बन जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में एक दाल और एक सब्जी ज़रूर बनती है घर में, और रोटी के साथ। तो फिलहाल मैं बेड ठीक करती हूँ, और उसके बाद चाय वगैरह बनाऊंगी, तब तक प्रशांत भी आ जाएंगे। मफी घूमी करके आ गया, घूमी करके आ गया मफी। किससे मिला आज, मैंगो से या आर्ची से, दोनों से मिला या? थक गए वॉक पे आने के बाद, थक जाते हो? पानी पी लो थोड़ा सा, आ जाओ पानी पी लो। किसी ने कभी गुस्से में बैठी हुई बीवी देखी है? वो ये है। सारा लेट कर दिया तुमने, बहुत सुबह निकलना था हमें। अब तुम और पापा दोनों मिलके ना, मुझे दोनों को मुझे मालूम है। अपना ही ब्लॉग देख रही हो, मेरी तो बड़ी खूंखार नजरों से देखा जा रहा है। बात मत करो, जाओ कहीं निकल। हाँ, अभी भी नहा लो, लेट नहीं हुए, और लेट हो जाएगी। ओए, कितना प्यारा सा गुस्सा है। अब प्रशांत खाना खा रहे हैं कच्ची सब्जियों के साथ। इधर कच्ची सब्जियां, इधर पकी हुई सब्जी है, और तुरई खा रहे हैं। ये देख लीजिए, जब स्वाद मुंह को ऐसा लग गया हो तो ऐसे। स्वाद देने का जिम्मेदार कौन है? तो मैं तो मना करती हूँ, फिर क्यों नहीं मानते हो? आज भी तोरई खाने से पहले नखरे कर रहे थे, कहते तोरई, और खुद ही ने ऑर्डर करी थी जबकि तोरई, और भूल गए ऑर्डर करने के बाद। बोलती हो सब्जी मंगा दी। मैं तो ट्रायल रूम में थी, और ये सारे के सारी सब्जियां प्रशांत ने अपनी मर्जी से ऑर्डर करी हैं। मफिन को पता चल चुका है कि मम्मा जा रही है, तो बोल रहे मम्मा नहीं जाओ। और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये वाली कुर्ती डाली है, और ये मैंने मिंत्रा से ली थी। इसके जो पॉम पॉम है, ये मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। इसी के नहीं, जिसमें भी पॉम पॉम होते हैं मैं ऐसे से घुमाती रहती हूँ, है ना कशिश? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ना बहुत ही लाइट कलर का है, एकदम बेज कलर का, बिल्कुल न्यूट्रल कलर का। मोजा छोड़ दे, मोजा लेके भाग गया ये। रीयूजुअल तुझे मालूम है तू क्या है? तो ये वाला कलर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत सूदिंग सा कलर है, तो मैं ट्रैवलिंग के टाइम पर यही पहनना पसंद करती हूँ, सूदिंग से कुछ कपड़े हल्के फुल्के से। तो फिलहाल हम लोग निकलने वाले हैं, बैग रेडी है, ये रहा बैग, और एक मेरा वो वाला बैग भी है, और ये लैपटॉप तो जाएगा ही साथ में, क्योंकि बिना लैपटॉप के काम नहीं बनता। लैपटॉप तो मतलब एक प्रशांत के लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है।
ओके गाइस, तो निकले हुए भी हमें समय हो चुका है, आधा पौन घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया हमें प्रशांत, है ना, आधा घंटे के करीब हुआ है। और ये रे प्रशांत, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मेरे मम्मी पापा से मिलने। मैंने सोचा एक जल्दी से एक ट्रिप मार के आते हैं और मिल के आते हैं मम्मी डैडी से, देखते हैं कि, मतलब फोन वोन पे तो ऐसे बात होती ही रहती है। राखी के बाद हम मिलेंगे। हाँ, राखी के बाद हम मिलेंगे, राखी के बाद से मिले नहीं थे। तो हम लोग जा रहे हैं एक शॉर्ट सी एक ट्रिप के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा भी काम काफ़ी है और रीमा के पास भी काफ़ी काम है। बट हाँ, हमने कहा कि चलो मिल के आते हैं, तो आज मिलाएंगे आप लोगों को मम्मी डैडी से। मूडे बात कर रही थी। मूडे नहीं होता, मूडे नहीं होता, तुम मूडे बोल रही थी, मूडे होता है, मूडे मूडे। अच्छा, कोई जो भी शब्द को, ऐसे भी किसी भी शब्द को ना बार बार बोलो कैसा अजीब सा लगता है। हाँ। मूडे मूडे मूडे। अच्छा, मुझे ना कॉफी पिलाओ। कॉफी अभी रोकता हूँ किसी ढाबे पे। ढाबे पे क्यों? यहाँ पर वो आएगा ना मैकडोनल्ड या ढाबे पे पी लो, क्यों खर्चा करा रही हो। हाँ, जैसे ढाबे की कॉफी, ढाबे की चाय बहुत अच्छी होती है, तो मैं किसी चाय ढाबे की चाय पिलाता हूँ, बताओ। चलो ठीक है, पिला दो, कुछ तो पिलाओ यार, मेरा बहुत मन कर रहा है, तलब हो रही है, शाम का टाइम है। ठीक है पिला दो। शाम का टाइम है गाइस, किस किस को चाय पीनी है बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। मेरे को तो कॉफी पीनी है। मेरे को तो चाय पीनी है। यार तुम्हारे ना गाड़ी में बैठती सारी चोचले चालू हो जाती है, ये करो वो करो फलाना करो, तो बीवियों के तो चोचले होते ही हैं। और बाहर जाने के बाद पता ही, शादी करने से पहले सोचना था ये तो, जब भी जब शादी कर ली और इतने साल निभा ली, अब चोचले लग रहे हैं। ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट बैग है, इस बैग के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। जब भी मैं ट्रैवलिंग पे जाती हूँ मैं यही बैग यूज करती हूँ। तो ये प्रशांत ने मुझे गिफ्ट में दिया था जब प्रशांत मेरे लिए लेकर आए थे न्यूयॉर्क से। गाइस, मैं आपको सच बात बताऊं तो देखो ऐसा था कि कौन सी ऐसी लेडी है जिसे पर्सेस वगैरह पसंद नहीं होंगे, है ना, नई ड्रेसेस पहनना पर्सेस। तो रीमा भी को भी बहुत पसंद थे, और वो भी जब आपको ना थोड़ी वैसी ब्रांड मिल जाए जो अच्छी जानी पहचानी होती है ब्रांड्स। तो बेसिकली क्या था ना, मैं कोच में था, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, लेकिन वहां पे क्या है ना ईयर एंड सेल चलती थी, तो मैं ना ऑफर में लेके आया था रीमा के लिए, और ना ऐसे में कम से कम दो तीन और पर्स लेके आया था, और मतलब वो लूट मस्ती है वहाँ पे। तो मतलब जैसे पता है प्रशांत मुझे पिक्चर्स भेजते थे, रीमा एंड ऑफ द ईयर सेल है, उसमें देखो ये पर्स है तुम्हें कौन सा चाहिए। हाँ। और तो जैसे दरवाजा खोलते थे ना वो, तो इस एम्प्लॉय नंबर से लेके इस एम्प्लॉय नंबर को वो स्लॉट दे देते थे, तो जब स्लॉट मिल जाता था आपको वहाँ पे जाना है, और वो दरवाजा बंद रखते थे उससे पहले, फिर एकदम से दरवाजा खोलते थे तो सब अंदर घुस जाते थे, ये लेंगे वो लेंगे। प्रशांत, आपका न्यूयॉर्क में ऑफिस कौन सी स्ट्रीट पे था? मेरा 34th। मुझे अभी भी याद है, एवरी वीकेंड हम लोग यूएस में न्यूयॉर्क जाते थे, और न्यूयॉर्क जाके पोर्ट ऑफ अथॉरिटी पे जाते थे। हाँ। और वहाँ पे आसपास में ना इंडियन रेस्टोरेंट, और हम बस से जाते थे, बस से जाते थे। बस वहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंट होती है न्यूयॉर्क में, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं या गए उनको भी मालूम होगा, या फिर टैक्सीज होती है, क्योंकि अपनी गाड़ी पार्क करो तो भैया वहाँ पे आधा घंटे का $8 होता है, $8 विच इज टू मच। तो लोग जो है ना कहते हैं कि भैया हम अपने पैदल ही घूम लेंगे, नहीं तो हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट था, बट बहुत मजा आता था। मूडे आ गए। मूडे, अरे मेरी बिगड़ गई, अब तुम्हारी सही हो गई। मूडे मूडे, इस पूरे रास्ते पे आपको यही मिलेंगे, गड़गंगा वाली लाइन है। यहाँ से उठाएंगे हम एक एक कप कॉफी, ये हमारा फेवरेट स्पॉट है, जब भी हम लोग मुरादाबाद आते हैं यहाँ तो रुकते ही रुकते हैं। चलिए एक कॉफी ब्रेक लिया जाए। लेट हो जाएंगे हम लोग, तो सोचा है कि कॉफी यहाँ बना लेते हैं और पियेंगे गाड़ी में, ड्राइव करते हुए प्रशांत भी पी लेंगे। प्रशांत आप गाड़ी में ही पी लोगे ना, और तलब बहुत लग रही थी, शाम की चाय या कॉफ़ी ना मिले ना। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए मुरादाबाद और रात हो गई पहुंचने में, देखो, और प्रशांत स्वीट लेने रुके हैं यहाँ पर स्वीट शॉप पर, तो वो स्वीट लेकर आ रहे हैं। और मैंने बच्चों के लिए भी बोला है प्रशांत को कि कुछ देख लेना अगर मिल जाए तो,
वरना कहीं और से ले लेंगे। क्योंकि मैंने सोनी दीदी को फोन करा था रास्ते में से कि हम लोग मुरादाबाद आ रहे हैं, आप लोग भी आना मम्मी पापा के पास। तो निष्का और देवांश भी आएंगे और आशीष जी भी। आज राखी के बाद अब मुलाकात होगी उन लोगों से, बहुत दिन हो गए राखी को भी। अब मिठाई मिल गई थी। अच्छा हाँ मिठाई मिल गई। ओके बच्चों के लिए चॉकलेट लाया। बच्चों के लिए चॉकलेट है। हेलो डोरी और सब्सक्राइबर्स को तो हाय बोल दीजिए इतने दिनों से। मम्मी हाँ, और बहुत दिन हो गए थे मतलब जो है राखी के बाद नहीं मिले थे ना अपन लोग। तो इस वजह से मैंने कहा एक शॉर्ट ट्रिप लगाई जाए, क्योंकि फिर उसके बाद फिर सारे त्यौहार व्यौहार शुरू हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, सब लोग बिजी हो जाएंगे। तो गाइज हम लोगों को आते आते बहुत टाइम हो गया है और जो है रास्ते में खूब ट्रैफिक मिला और कुछ ज़्यादा ही आज जो है चेकिंग हो रही थी। तो हम लोगों ऐसे ही आए हैं 8:15 पे के करीब आए हैं। और मम्मी पापा आप लोग कैसे हो, ठीक हो? बस बढ़िया बढ़िया। ये लीजिए आ गई सोनी दीदी। हेलो देखा मैंने मिलवा दिया ना आप लोगों को सोनी दीदी से। और ये देखिए कौन आया है यहाँ पर। ये आई हमारी निष्का और ये है देवांश। तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें तो। और बताइए कैसे हो आप क्या कर रहे हो आज? आज एग्जाम खत्म हुए हैं कि तो मैं एकदम फ्री बर्ड हूँ। आज ही खत्म हुए हैं ये तो फिर तो ये मेरे लिए भी अच्छा हुआ ना कि आज ही एग्जाम खत्म हो गए। अगर एग्जाम होते तो फिर आप मिलने नहीं आ पाते। अरे कुछ तो बताओ कैसा फील हो रहा है एग्जाम खत्म होने के बाद? पहले से ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा? अभी तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं और तुम स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करोगे? आपको क्या हुआ, एग्जाम से तो छुट्टी मिल गई। ये बात तो है। तुम्हें स्कूल जाना है या घर पे ही रह के पढ़ना है? नहीं पता। नहीं पता तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगेगा? या मतलब अब तुम्हारे सारे फ्रेंड्स वहाँ पर मिलेंगे, घर पर तो तुम सिर्फ अकेले होते हो ना, तो क्लास क्लास करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है। है ना कितने सारे बच्चे मिलते हैं, टीचर्स मिलती हैं। मामी ने दो क्वेश्चन पूछेंगे पूछे थे कि आपके स्कूल में और बोला था केजी में या फिर केजी में ही हूँ। केजी में हो? हाँ 35। अरे नहीं नजर मत लगाओ, सोनी दीदी अपना वेट बताने वाली आज। सोनी दीदी की हाइट अच्छी है तो मुझे नहीं लगता उनका वेट ज्यादा होगा। उनकी हाइट बहुत अच्छी है, मैं नहीं बताऊंगी कि देखो ये उनका अपना अंदर का मामला है। बच्चा लोग तुम्हारी पार्टी होने वाली है, पानी पूरी पार्टी। पानी पूरी पार्टी। और मुझे आज पता है भैया नहीं है तो मुझे आज लिटरली पानी पूरी खाने को मिल रही है, अदरवाइज वो मुझे खाने नहीं देते, कभी नहीं खाने देते, कहते घर पे खाओ जो पानी पूरी खानी, बाहर की बिल्कुल खाने ही नहीं देते। और दो साल हो गए मैंने बाहर की पानी पूरी नहीं खाई। हाँ बताना मत तुम पानी। तुम पानी पूरी सेल करोगी आज? पानी पूरी चैनल मतलब चैलेंज, पानी पूरी चैलेंज बनाओगी? ये क्या है इसमें भी मुझे लगता पूरी है। हाँ इन तीन डिब्बे में मम्मी पूरी है ना? हाँ ये इतना सारा सोना ये भाई मैंने, सही है ना? हाँ सही है। और क्या बच्चों लोगों को भी पसंद है। आपने एक बार खट्टा वाला खा लिया तो आपको पता चल जाएगा मीठा क्या है। हाँ। तो एक बार खट्टा वाला खा लो। और ये दो मुझे लग रहा है डिफरेंट तो नहीं है? नहीं ये सारे एक जैसे पानी है, लेकिन अच्छी पैकिंग में दिया है, थोड़ा हाइजीनिक लग रहा खाने में। ये बात तो है, सब कहेंगे वैसे तो बाहर की कोई मंगा रही है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है ना आप कहाँ से मंगा रहे हो। मैंने फर्स्ट टाइम में ट्राई किया है। अच्छा भोपाल जी वाला ना इसमें है नहीं? अच्छा पहले खा, इसमें खाओ मम्मी आप बैठ जाओ ना पहले, मुझे तो टेस्टी लगा लेकिन। अच्छा है ना मम्मी, टेस्टी है, अच्छी है। आप आगे भी ट्राई कर सकते हो। निष्का आपको कैसी लगी? निष्का सच में जा रहे हो?
हाँ छुट्टी में थोड़ी जाएगी, तुम तो मेरे साथ रात में रुकने वाले थे। हाँ हम रात में गेम खेलते, डैडी आए हैं लेने के लिए निष्का के। उठ जा बेबी, ये मौसी ने दी है उसको। हाँ मिनी मौसी ने दी। अच्छा मेरे बच्चे के लिए इसके लंबे घने सुंदर बालों। कौन दीदी ने मंगाया था ये वाला? आज क्या है, ट्यूसडे आज, आई थिंक ट्यूसडे है आज। आज प्रशांत के बाबा जी का श्राद्ध था तो सुबह सुबह मम्मी ने सारा खाना वाना बनाया। चलिए मम्मी आप लोग भी आइएगा। आइए बनाएंगे तो। हाँ ऊपर का घर खाली हो गया है हमारा किराए का, और पीओपी गिर गई है उसमें से, तो पीओपी। अच्छा पीओपी सही करानी है तो फिर है। दूसरा किराएदार ढूंढोगे तब आओगे। हम लोग घर से भी ऐसे ही निकले थे 3 बजे करीब, 3:30 पे निकले थे घर से। हाँ। और यहाँ से भी ऐसे ही निकल ले। अच्छा मम्मी बाय। अच्छा बेटा नमस्ते। हाँ और आराम आराम से चलाना गाड़ी। मैं तो आराम से। गजरौला के पास बहुत ज्यादा कल तो बहुत ज्यादा भीड़ थी और रोक रहे थे कल तो। ये दिए जलाने वाला है ना, तो ये तो इसकी तो नई है डगमग हो रही है। आपने मम्मी का चश्मा क्यों पहना हुआ है? ऐसे 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 हो रहा है, मतलब उसकी टांगे सही नहीं है क्या? आपने बताया नहीं आपने मम्मी का चश्मा क्यों पहन रखा? आंखों पे चौंध आ रही है। मम्मी ने अपना चश्मा जो है लेडीज का चश्मा लगाना है मुझे कोई बिना ये वाला बिना चश्मा लगाए ज्यादा चमकदार दिखाई देती है। लोग यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए स्टारबक्स में, क्योंकि नींद आ रही है एक्चुअली, तो सोच रहे हैं कि एक कप कॉफ़ी ले लेते हैं। हम लोग एक एक कप कॉफ़ी के लिए, क्योंकि रास्ते में आ रही थी नींद और प्रशांत को तो बहुत तेज झोंके आ रहे थे नींद के। तो ये रिसेंटली शायद खुला है यहाँ पर स्टारबक्स, है ना प्रशांत? तो गाइज ऐसा है, रीमा ने बैठे बैठे है ना 1700 रुपए इन्वेस्ट कर दिए 2 मग्स में। बात इसकी नहीं है, मुझे पता है, मैंने पहले भी, मैं स्टारबक्स वगैरह जाती हूँ और मुझे मग्स का कलेक्शन देखना वहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी इतना अपीलिंग ही नहीं लगे कि मैं ये वाला ले ही लूँ। लेकिन ये वाले इतने अपीलिंग थे कि उन्होंने मुझे खुद आके बोला कि मुझे ले लो, प्लीज ले लो मुझे ले लो, तुमने नहीं लिया तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी, ना इनके साथ और ना ही अपने साथ। तो मैंने ले लिए। फिलहाल मेरे फेस पर मत जाइएगा, इग्नोर माय फेस, बिकॉज मैं बस सुबह फेस वॉश करके दिखाऊं आपको। ये इसीलिए मुझे पसंद आया, कितना ओरिजिनल है इसका। हाँ, मतलब ओरिजिनल स्टारबक्स का कलर है और अंदर से बहुत मस्त लग रहा है। आई मीन बाहर ग्रीन है, इसके ऊपर एनग्रेव्ड है एक्चुअली में, ये दिस इज एनग्रेव्ड, प्रिंटेड नहीं है ये। हाँ। और उसके अंदर का जो वो है वो भी ग्रीन है, तो मतलब इट्स वेरी, मुझे लगा ये बिल्कुल ऐसा है कि, बट ये थोड़े से ना महंगे है, ये 850 का एक मग है तो हमें 1700 के दो पड़े, बट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कलेक्शन। मैं दो ले आई हूँ। चलिए दोस्तों यही था आज का व्लॉग, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में सब लोगों से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ कल आप लोगों से एक और अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।